सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों को मैं निरंतर बता रहा हूं कि जितने भी मत मजहब है आज विश्व के आंगन में, मत मजहब में अंधविश्वास की गुंजाइश है। अर्थात वहां दिमाग से किसी बात को सोचकर मानने की बात नहीं है, बिना सोचे मानने की बात है। जो बता दिया उसे ही मानना है। जैसा आज सुबह मैं आप लोगों को लिख करके दिया, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उसको, कि जिसमें यह बताया गया है कि आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए और इनको ऊपर उठा लिया जाए। भाई आसमान का दरवाजा, आसमान माने खाली जगह है, इतनी सी बात अल्लाह के पास जानकारी नहीं है। इतनी छोटी सी बातों को अल्लाह नहीं जानते हैं। और ये सूरा नंबर 15 आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए। अब दरवाजा खोल दिया जाए और इनको ऊपर चढ़ा लिया जाए, पर अल्लाह को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और बिना सीढ़ी का किसी का ऊपर चढ़ना ये क्यों और कैसा संभव हो। فَلَوْ فَتَخَذَا خَتَنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ الشَّفَاعِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, ये शब्द आया है। और अगर हम अपनी कुदरत से आसमान का दरवाजा भी खोल दें और ये लोग दिन दहाड़े ऊपर चढ़ जाए। अब आसमान का दरवाजा अल्लाह को कहां मिला, कोई इस्लाम वाला इस पर सवाल नहीं कर सकता है, कोई इस्लाम वाला इस पर सवाल नहीं उठा सकता है। इसी का नाम ब्लाइंडनेस है, इसी का नाम ईमान है, बिना चूचीरा किए हुए मार देना। आसमान का दरवाजा खोल करके दिन दहाड़े उसको ऊपर उठा लेंगे अल्लाह। जब आसमान का दरवाजा कहाँ मिला अल्लाह को ये नहीं मालूम, आसमान का दरवाजा होना संभव है या नहीं ये अल्लाह को नहीं मालूम। आसमान के माने होता है खाली जगह, शून्य स्थान। तो आसमान जब खाली जगह है, शून्य स्थान है, ऐसे आसमान का दरवाजा खोल देना और ऊपर चढ़ा रहे, तो ऊपर चढ़ाने के लिए वहां सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जीना की आवश्यकता होगी, या तो लिफ्ट की आवश्यकता होगी। ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, तो ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, किस रस्सी से खींचेंगे अल्लाह। तो बिना सिर पैर की बातें कुरान भरी पड़ी है। तो बिना सिर पैर की बात आप एक जगह नहीं पहले, पूरी कुरान बिना सिर पैर की बातें हैं। इसीलिए तो नहानो नकुस वाले कसस बताया गया कि मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है। और वो किस्सा क्या, आज मैं एक वीडियो की आवाज से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से कुरानी गप लोग सुना रहे हैं। और इसको जरा आप लोग भी मुलाहिदा फरमाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान करीम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से वार कर रहे हैं इस वक्त, और इन सब का मुंह तोड़ जवाब किस तरह से कुरान करीम फुरकान हमीद ने दिया है। फुरकान हमीद का एहतराम, तारजीम और तौकीर सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं, बल्कि जानवर भी इसकी ताजीम और तौकीर करते हैं। और इसी के मद्देनजर एक वीडियो का भी तेजी के वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुरान करीम रखा हुआ है मेज पर, और एक शख्स एक खाने वाली सामान को हाथ में लिए और वो बिल्ली को कुरान शरीफ के ऊपर वो खाने का सामान रख देता है। कुरान बिल्ली को दावत देता है कि आओ तुम उस कुरान में चढ़कर इस
देखिए जिस कुरान के बारे में वो करिश्मा बता रहा है, ये इरफानी वीडियो है कोई झारखंड का, और इसमें बताया क्या गया है, ये करिश्मा ये है कि कुरान के ऊपर कुछ बिस्किट रखा गया या खाने का कुछ सामान रखा गया और उसको इतना रखना था कि वो बीज को खाने वाली चीज को तुम लपक के खा जा, लेकिन उस इंसान ने बार बार ये कोशिश की मगर उस भूखी बिल्ली में इतनी ताकत नहीं हुई कि वो कुरान करीम के ऊपर चढ़ जाता। जबकि उस इंसान ने कुरान करीम के ऊपर अपने हाथ को रखा, बिल्ली घूमती रह गई। लगभग 4 से 5 मिनट तक कुरान करीम के इर्द गिर्द अगल बगल घूमती रह गई वो बिल्ली, लेकिन कभी भी उस बिल्ली ने अपने पैर को कुरान करीम के ऊपर नहीं रखा। कहिए ना सुभान अल्लाह। उसके बार बार कोशिश करने पर कि बिल्ली वो कुरान पर पैर रख दे, बिल्ली का पैर कुरान के ऊपर आ जाए, या बिल्ली खाने के लालच से भूख की तड़प और भूख की शिद्दत की वजह से वो बिल्ली कुरान के ऊपर चढ़ के उसके हाथ से वो खाने की चीज वो बिस्किट को छीन ले, लेकिन उस बिल्ली ने चारों तरफ तवाफ लगाया कुरान शरीफ का, लेकिन कभी भी उसने अपने कदम को कुरान के ऊपर नहीं रखा। और उसी के साथ साथ इस चीज को बहुत सारे लोग देख रहे थे। उसके बाद वहां से उस कुरान शरीफ को हटा दिया गया और एक दूसरा किताब को वहां पे रख दिया गया, और उस शख्स ने उसी तरीके से बिस्किट को उस किताब के ऊपर रखा। इतना रखना था कि वो बिल्ली झपाटा मार के उस किताब के ऊपर आ जाती है और उस इंसान के हाथ से वो खाने की चीज छीन कर खा जाती है और वहीं बैठी रह जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के समझ कुरान कि जहां इन लोगों को भर्ती कराया जाए, ये इसको कुरान का चमत्कार बतला रहा है। कुरान का चमत्कार क्या है कि कुरान के ऊपर, किताब के ऊपर बिस्किट रख दी गई। कुरान के ऊपर रखने के कारण बिल्ली इर्द गिर्द घूमती रही, चक्कर काटती रही, तवाफ करती रही, लेकिन कुरान पर चढ़ करके वो बिस्किट नहीं ली। और जब कुरान को हटा करके किसी दूसरी पुस्तक के ऊपर बिस्किट रख दिया गया तो उस पर झपट्टा मार करके बिस्किट खा गई बिल्ली। मैं तो ये जानता था, ये समझता था कि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि ये कुरान क्या है, कलामुल्लाह है, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है, ये इस्लाम वाले मानते। और मैं शुरू से अब तक यही बताता आया हूं कि ये अल्लाह का ज्ञान नहीं है। इसका मैं हवाला ये दे रहा हूं कि अगर ये मान लिया जाए कि कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का ज्ञान है, तो किसके लिए है? तो ये कहेंगे कि कहीं लिन नासिल आलमीन शब्द आया है कि बनाव इंसान के लिए है। मैं मान लेता हूं कि अगर ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान है, बनाव इंसान के लिए है, बिल्ली कैसे जान गई कि बिस्किट कुरान के ऊपर रखा है? क्या बिल्ली के लिए भी ये ज्ञान है? अब इन जाहिलों को क्या बताया जाए, इस जहालत को क्या दाद दिया जाए, इन जहाला जाहिलीपन का क्या शुक्रिया अदा किया जाए? कितने बड़े जाहिल लोग हैं, उस बिल्ली को क्या पता कि कौन सा कुरान है और कौन सी कुरान से इतर अलग किताब है। यानी जानवरों को भी इल्म है, इसका मतलब ये हुआ ये इल्म जानवरों का है, इंसानों का नहीं है। इंसान इस चीज को नहीं जान पाएगा, ये जानवरों के लिए है ये ज्ञान, इसीलिए बिल्ली जान गई। आओ मैदान में इरफानी, अगर तुम्हें फलाना हो जाना पड़े तो फिर मेरा नाम मत लेना। तुम पहले ये सिद्ध करो कि ये कुरान अल्लाह का दिया हुआ जो ज्ञान है वो इंसान के लिए है या जानवरों के लिए है। अगर इंसान के लिए होता है, ये करके हैरान हो जाएंगे, ये दुनिया दंग रह जाएगी, दुनिया दंग रह जाएगी कि तुम्हारे पागलपन पे लोग तरस खाएंगे। बिल्ली क्या जानती है कि कौन कुरान होता है, कौन कुरान का बाप होता है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन लोगों की जहालत एक दो नहीं, और भी मैं एक जहालत सुना रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये लोग क्या किस तरीके से जहालती कर रहे हैं और जहालती पर उतर आए। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क अंबर ज़ाफरान का कोर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है
तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती फुल ड्रेस से। जन्नत की हूरी नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैंपर पोनी हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत की का जो साइज है 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली सहीर को तो जेब में डाल लेगी। ये अंदर से कहेगा कैम शो वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में नहीं आती अरबी लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहि सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम किससे किससे छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। वाह मेरे मौला तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहीं स्टन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसके। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है और उसके बालों की खुशबू। आप लोगों ने सुना, ये है तारिक जमील का, जो पाकिस्तानी आलिम है, तबलीगी जमात वाला है। अच्छा, इनकी बयान आप लोगों ने सुने, वो 170 फीट और ये इतना लंबा ये माप करके देख करके आया है, ऐसा एक्यूरेट बता रहा है जैसा उसने नाप करके देखा हो। अच्छा, किसने देखा है भाई, उंगली दिखाए तो सूरज छुप जाए, उसके उस औरत के, उस जन्नती औरत के उंगली के दिखाने से सूरज का छुपना संभव होगा। अब सूरज बनाया हुआ अल्लाह का और ये महिला भी बनाई हुई अल्लाह का, तो सूरज अगर छुप जाए तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी पागलपना की बात है कि सूरज छुपने से दुनिया में उथल पुथल मचेगी या नहीं मचेगी। और जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नत तो केवल मुसलमानों के लिए होगा, बाकी दुनिया के लोग क्या अंधेरे में हो जाएंगे। इन लोगों को कौन सा पागलखाना में भेजें, कहां किस पागलखाना में इन लोगों को भेजा जाए। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही होगा, अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। ये तो अल्लाह को अपना बाप का मान लिया है, अपना घर का मान लिया है कि जैसा चाहे वो करे, पर ये संभव नहीं है। सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई काम होना संभव नहीं है। आम के पेड़ में इमली का लगाना अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई शक्ति हो तो भी लगाना संभव नहीं है। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये तारिक जमील जिस जन्नत की बखान कर रहे थे, जिस जन्नत की बयान कर रहे थे जन्नत में क्या होगा, फिर रो क्यों रहा था तू? यही तारिक जमील रो रहा था, वीडियो को आप लोगों को दिखाया मैं। जब तुझे जन्नत जाना है, जन्नत जाने पर ही ये हूर का मिलना संभव होगा, जन्नत जाने पर ये जन्नती औरत का मिलना संभव होगा, तो यहाँ लफाजी क्या कर रहा है? फिर वहां तक जाने के लिए तू रो क्यों रहा है? तू दुबला है, इसका मतलब तेरी दुबलापन गई नहीं और तुझे लोग दुबला ही कहेंगे कि तेरी कौन सी बात सच्ची है, कौन सा तू सच बोल रहा है। तो सच तो कुरान में अल्लाह ने नहीं बोला, तो तू कहां से बोलेगा भाई, तू कैसे बोलेगा? मैं केवल इतना ही नहीं, एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए और भी क्या हो रहा है इस दुनिया में, यहां पर और भी क्या कर रहे हैं लोग, उसको भी देखिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से बकवासबाजी चल रही है इन लोगों की, झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो जाए। और ये वीडियो दिल्ली राइट्स के टाइम पर बहुत वायरल हुई थी, फिर एक बार इस कोरोना वायरस के सीजन में वायरल हो रही है।
आइए देखते हैं कि ये और इन जैसी सारी वीडियोस में जो बातें कही जाती है उसकी हकीकत क्या है। मुझे इस वीडियो में 5 सवाल मिले, मैं वो 5 सवालों का जवाब आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिप एक छोटी क्लिप हो। मैं एक एक आयत और एक एक दलील पढ़कर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पॉज करके देखना पड़ेगा। पहला सवाल वही पुराना सवाल कि कुरान में दिया है काफिरों को जहां कहीं पाओ उनका कत्ल कर दो। ये आयत कुरान की आयत है सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। बल्कि ताज्जुब की बात यह है कि ये क्लिप जहां से कट की गई है वो खुद इसका जवाब दे रहे थे, जो सवाल का जवाब दे रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिसने ये वीडियो बनाई उसने सिर्फ सवाल का वो हिस्सा लिया, जवाब साथ में नहीं लिया। उसी तरह एक और स्पीकर की वीडियो क्लिप बताई गई, उनके भी सिर्फ सवाल का उतना हिस्सा लिया गया, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बेसिक तौर पर आप इतना समझ लीजिए, सूरह तौबा के अंदर सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 1 से अगर कोई भी इंसान पढ़े तो देख के समझ सकता है कि जंग के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है जिसके अंदर ये कत्ल करने कहा गया, वो जंग के हाल में कहा गया, नॉर्मल हालात की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बात आई है कि जिसको वो सूरह तौबा आयत नंबर 5 की बात ये बतला रहे हैं, और कई लोगों ने बोला है, वो कह रहा है कि उस पर कटाक्ष तो लोग कर रहे हैं पर वो किस कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहा है, किस प्रकरण पे बोल रहा है उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किस प्रकरण में बोल रहा है तो वो कह रहा है कि वो जंग के लिए बोला गया। अरे वो अकल का दुश्मन, उस समय तो जंग था, आज भी जंग है क्या? जब आज जंग नहीं है तो आज इसको क्यों ढो रहा है? आज इसे हटा देना चाहिए था। ये मैं अब्दुल्ला तारी के साथ जब मेरा डिबेट हुआ 2008 के 8 फरवरी में, उस समय ही बोला था। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा। और ये कह रहा है कि वह जंग का बयान है। मिसाल के तौर पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र देखते हैं, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। उनके अल्फाज के हमारा सिद्धांत यह है कि हम घर में घुस कर मारेंगे, ये बालाकोट स्ट्राइक्स की बात है। अब अगर कोई वही पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ, ये कह रहे हैं हम उसके घर में घुस करके मारेंगे, ये कह रहे हैं कि घर में घुस करके मारेंगे, ये प्रकरण है। तो अरे अकल के दुश्मन, ये जिंदगी भर इसको कोई ढोएगा नहीं, पर ये तेरा कुरान जब से आया तब से ही ढो रहा है तू। और आज जंग का कोई वातावरण नहीं है, ना किसी से जंग कर रहा है कोई, लेकिन फिर भी ढो रहा है। लेकिन मोदी का जो ये कथन था कि हम उसके घर के घुस करके मारेंगे, वो उस दिन की बात है, मारेंगे आज नहीं। ये बालाकोट स्ट्राइक्स की बात है। अब अगर कोई वही अल्फाज लेकर के कहीं और फिट कर दे, एक नई वीडियो बना दे, तो फिर सही होगा गलत होगा? मिसाल के तौर पर जब उतना ही क्यों वीडियो बनाएंगे, वो तो मोदी के बाद कोई नहीं जाएगा, और वो तो उसी दिन की घटना थी, उस दिन घटना हो गई, और मोदी के याद के लिए ये बोला जाएगा कि मोदी ने ये बात कही थी। लेकिन कि अल्लाह ने ये जो बात कही, फैजा सलाखल अशुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुदुहुम वक़ुदु लहुम कुल्ल मरसद फैंता वासरक, जब तू वो सूरह तौबा का 5 नंबर आयत बोल रहा है, तो एक जगह थोड़ी है ये मानने काटने की बात। वहां तो जब तक नमाज ना पढ़े, जब तक जकात ना दे, तब तक उनको मारो। एक जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह है। सूरह चौसी सूरह तौबा का 14 नंबर देख, قاتلهم يعذبهم الله بأيديهم ويخرج ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم قوم مبين, उनसे लड़ो, किनसे? सुनो, उनसे लड़ो, खुदा तुम्हारे हाथों उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। किनको? जो ईमान नहीं लाए, जो काफिर है, जो इस्लाम को कबूल नहीं किया, जो इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनके लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको, उन लोगों को रुसवाई करना चाहते हैं, यानी अपमानित करना चाहते हैं। ये एक दो जगह नहीं, भरा पड़ा है कुरान। यहाँ सूरह तौबा 30 में क्या बोला है, الذين امنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم
بانفسهم اعظم 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 درجه درجه عند الله اولئك هم الفائزون اولئك هم الفائزون جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جو خدا کے راستے میں ہجرت یعنی پرستھان کیا ہجرت اختیار کیا اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کیا اور خدا کے نزدیک درجے میں کہیں وہ بڑھ کر کے ہے یہی لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں کیول اتنا نہیں قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الخزية عن يدهم وهم صاغرون وہی سورة توبہ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر نہ خدا اور اس کے رسول کو رسول کی حرام کی گئی کو حرام مانتے ہیں اور نہ سچے دین کوئی اختیار کرتے ہیں ان سے لڑو اور جہاں پاؤ انہیں ذلیل کرو اپمانت کرو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو کیول اتنا ہی نہیں اسی سورۃ توبہ آیت نمبر 39 میں بتایا گیا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما یستبدلوا قوما غیرکم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير اور اگر جب تم نہ نکلو کہ خدا پر دردناک عذاب نازل فرمایا ہے خدا نے تو تمہارے بدلے کسی دوسرے قوم آ جائیں گے اس لیے تم جہاد میں نکلو جہاد میں اگر نہیں نکلتے ہو تو تمہارے بدلے میں اللہ کسی اور قوم کو بھیج دیں گے اب دیکھیے خدا وہاں پر اس کو جہاد میں بھیجنے کے لیے اللہ ڈرا رہے ہیں کیول اتنا ہی نہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں بتایا گیا کہ وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں تم ہرگز مردہ نہ کہو اب خدا کے راہ میں مارے گئے خدا کا راہ کیا ہے وہی جہاد جب خدا کے راہ میں مارے جائے ان کو تم مردہ نہ کہو یا ایھا الناس جہاد الكفار والمنافقون البغل یعنی وغلظ علیہم وما واہم جہنم و بئس المصیر یہ آپ کا کیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں دیکھیں 73 میں اے رسول کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اب ماننے کی قتل کرنے کی بات نہیں ہے تو تلوار جو شبد آیا یہاں پر اس تلوار سے کیا کرنا ہے اور منافقوں کے ساتھ جو منافق من میں کچھ رکھتا ہے زبان میں کچھ رکھتا ہے ان کے ساتھ زبانی جہاد کرو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جو جہنم کے آگ میں ان کو ڈالا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ خود کہہ رہا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 84 میں دیکھیے کہ ولا تضلوا علیہم علی احدہم منکم مات ابدا ولا تقوم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون دیکھیے ذرا غور سے سنیے دنیا والوں اللہ نے کیا کہا مسلمانوں کو اور ان منافقوں کے مر جانے پر ان کے جنازہ میں شریک نہ ہونا ان کے جنازہ مت پڑھنا ان کے قبر کے نزدیک مت جانا ان لوگوں کو یقیناً خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے جو لوگ کیا کیا ہے خدا کے ساتھ رسول کے ساتھ کفر کیا ان کی باتوں کو نہیں مانا ان کے دین کو نہیں مانا اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے تاکید کیا دیکھیے یہی امانویتا کی بات ہے یہی امانویتا ہے یہ جو بھائی چارہ کر رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ گنگا جمنی کی تہذیب ہے کہ گنگا کے پانی کو یہ پی نہیں سکتے گنگا میں نہا نہیں سکتے پھر بھی گنگا جمنی کی تہذیب یہ بتا رہے ہیں اب یہاں پر مر جانے کے کوئی پڑوسی اگر مسلمان ہو یا ہندو ہو تو مسلمان کو منع کیا ہے کہ اس کے جنازہ میں مر جاؤ کیول اتنا ہی اور آیت نمبر 85 میں کیا بولا ہے کہ ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بما بها في الدنيا وتزهقوا انفسكم وهم كافرون اور کیا کرو کہ اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں یعنی حیران میں نہ ڈال دیں
खुदा तो बस ये चाहता है कि दुनिया की में भी उनके माल और उनके औलाद तुम्हें मुतासिर न कर दे, यानी काफिरों के जनाजा में मत जाना। क्यों? कि उनकी औलादों के रोने पीटने से तुम उन पर मुतासिर हो जाओ, प्रभावित हो जाओ। इसलिए काफिरों के जनाजे में, कब्रिस्तान में मत जाना, शमशान में मत जाना। ये एक मुसलमान के लिए बताया जा रहा है, ये हुक्म अल्लाह का है। अब मानवता कहाँ है कुरान में? दुनिया के लोग मोमबत्ती जला करके ढूंढे, ये बकवास कर रहे हैं। इस तरीके से कुरान भरा पड़ा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ातिलुल्लज़ीन यलौनकुम मिनल कुफ्फार वला यजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा वअलम अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमानदारो, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आस पास के हैं उन लोगों से लड़ो, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। यहां युद्ध की बात कहां से आई, यहां युद्ध की मैदान कहां बोला गया? क्या अगर युद्ध की मैदान के लिए भी है तो अब क्यों इसको ढोए फिर रहे? अब इसको पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? इसको हटा देना चाहिए था, लेकिन यहां क्या भाई, उस युद्ध के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। देखिए, ऐ ईमानदारों, कुफारों में से जो लोग तुम्हारे आस पास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वो लोग तुम में करारापन महसूस करें, तुम में सख्ती महसूस करें, तुम मजबूत हो उनसे ये महसूस करें, उनको ये याद करा दो। केवल इतना नहीं, सूरह निसा आयत 84 में क्या बताया है? फकातिल फी सबीलिल्लाह इल्ला ला तुकल्लिफु इल्ला नफ्सा वहरिदल मोमिनीन असल्लाहु अन यकफ्फा बअसल लज़ीन कफरू वल्लाहु अशदन बअसा व अशदन तनकीला। पर ऐ रसूल, तुम खुदा की राह में जिहाद करो। देखिए, खुदा के राह में जिहाद करो, जिहाद माने यहां लड़ाई है, धर्म युद्ध, यानी इस्लाम को विस्तार करने के लिए गैर मुस्लिम को जो लड़ाई लड़ी जावे उसका नाम जिहाद है। तुम अपने जात की सिवा किसी और को जिम्मेदार नहीं हो, और ईमानदारों को जिहाद की तरगीब दो, और जो मुसलमान है उनको जिहाद के लिए प्रेरित करो। अन करीब खुदा काफिरों को हैबत में डाल देगा, खुदा काफिरों को हैरत में डाल देंगे, उसको सजा देंगे, बहुत सख्त सजा है। इस तरीके से आगे बतलाया है कि वक्त हूँ है सो साकिब तुम हूँ आखिर जो मिना है सो आखिर जो कुमार फितर तो आशा तुम मेरा मत ले वाला तो कातिल में दल मस्जिद रे हराम हत्ता यो कातिल को फी फाइन कातिल को फक्तर उनका दाली के जगह उन काफी सूरा बकरा आयत नंबर 191 में, तो 191 में, और तुम उनको जहां पाओ मार ही डालो। ये कहां की बात है? उस युद्ध के मैदान की बात है। और उनको तुम जहां पाओ मार ही डालो, और उन लोगों ने जहां से तुम्हें शहर से शर बदर किया है तुम भी उनको निकालो बाहर, और उनको उनके परवरदिगार खूनेजी से भी बढ़ करके अब तक वो लोग मस्जिद हराम के पास तुमसे ना लड़े, तुम भी उनसे ना लड़ो। जब तक वो ना लड़े तुम भी ना लड़ो, लेकिन वहां कत्ल करने का खुला हुक्म दिया गया है। कि एक दो जगह में पूरा कुरान भरा पड़ा है, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून अद-दीन लिल्लाह फइन इंतहौ फलउद्वान इल्ला अल-ज़ालिमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 193 में बताया, और उनसे लड़े जाओ यहां तक कि फसाद बाकी न रहे, सिर्फ खुदा का ही दीन हो जाए। तमाम दुनिया में खुदा का दीन जब तक फैल ना जावे, जब तक काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। ये है कुरान, ये है कुरानी आयत, कुरान का हुक्म। मन कान अदु वलिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाएल फाइनल अदु लिल काफिरीन। कि वो काफिर है कौन, कौन-कौन काफिर है, किसको किसको काफिर बोला गया है? कि जो खुदा को ना माने, फरिश्तों को ना माने, रसूल को माने, जिब्रील और मिकाइल को ना माने, जो इनके दुश्मन है वो अल्लाह के भी दुश्मन है, ये है, वो सब के सब काफिर हैं। इसी तरीके से यहां कुरान भरा पड़ा है, हदीस में भी देखे, हदीस में भी आप पा जाएंगे।
वहां बुखारी शरीफ के हदीस में किताबुल जिहाद एक अध्याय है, जिहाद का यह अध्याय। तो ये जो बकवास कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि ये उन समय के लिए है, उन दिनों के लिए है, आपके लिए नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे नवाज शरीफ से एक सरप्राइज मुलाकात के लिए, तो उस समय गुस्सा मारेंगे। या मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच चल रही है, उस वक्त पर अगर कोई ये बात कह दे तो ये तो आतंकवाद लगेगा। एक और मिसाल, इंडिया के दौरान पुलिस ने जहां कहीं लोगों को, पब्लिक को रास्ते पर देखा, जाकर के उनको लाठियों से मारा। अब अगर कोई पुलिस के बारे में कहे कि इंडिया की पुलिस तो ऐसी है, जहां कहीं पब्लिक को देखती है लाठियों से मारती है। कोरोना वायरस आज है, इससे पहले नहीं था, जनवरी महीने से पहले नहीं था। तो पुलिस कहां डंडा बजा रही थी? डंडा तो इसलिए बजा रही है कि उसने आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए। तो आदेश का उल्लंघन किया, जाहिलो तुम तो लोगों पर थूक रहे हो, लोगों को ईंटा और पत्थर बरसा रहे हो, तो तुम सजा याफ्ता नहीं हो। ये क्यों क्यों कहेगा? कोरोना जनवरी महीने में कोरोना था क्या? कोरोना का मिसाल क्यों दिया जाएगा? लेकिन ये कुरान में तो कत्ल का मिसाल तो जब से कुरान नाजिल हुआ तब से है, तो अब भी ढो रहे हो और फिर भी मना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारी ये बेतुकी बातें, तुम लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हो और हॉस्पिटल में कैसे जाओगे? जिस कुरान की चर्चा तुम कर रहे हो, वो कुरान इंसानी उपदेश कहाँ है? इंसानों के लिए उपदेश कहाँ है? क्योंकि वो बिल्ली भी जानती है कि ये कुरान है, इस पर ना चढ़ो। तो जब बिल्ली के लिए ये उपदेश है, बिल्ली उसको जानती है, जानवरों को ये ज्ञान है, इंसान को नहीं। अब उस कुरान को पता है क्या कि बिल्ली हमारे ऊपर चल रही है, बिल्ली हमारे ऊपर पांव धरी है? कुरान को पता होगा? अरे जाहिलो, इतनी सी अकल तुम लोगों के पास नहीं है। खामा खा इंसानी चोला ओढ़ करके दिग्भ्रमित कर रहे हो मानव समाज को। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उस बिल्ली को भी पता नहीं है कुरान है, और कुरान को भी पता नहीं कि बिल्ली हमारे ऊपर पाँव धर रही है, क्योंकि दोनों ही अनभिज्ञ है। बिल्ली को भी ज्ञान नहीं कुरान है या कोई और किताब है, और कुरान तो जड़ है, उस किताब के ऊपर हाथ धरो, पांव धरो, चढ़ करके बैठो, उस किताब को कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। लेकिन तुम जाहिलों को कब सा समझाया है? तुम्हारी कौम जाहिल कौम है, और इसी जहालत के कारण ही आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से कोरोना वायरस को भारत में फैलाया गया है। सब जमाती इस्लाम यानी तबलीगी जमात पर दोष दे रहे हैं, तबलीग जमात पर चिन्हित किया जा रहा है। मरकज के हजरत जी को यानी मौलाना साद को ही चिन्हित किया जा रहा है, और वो पैतरा बदल रहे हैं, पैतरा बदल रहे हैं, खुद तो आज तक आया नहीं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, मैं तो पुलिस की गलती मानता हूँ। वो निजामुद्दीन मरकज से कहीं गया तो कैसा गया, उसके लिए कौन दोषी है? मैं केवल इतना नहीं, अंतिम में एक शब्द और कहने से मैं नहीं चूकूंगा, वो ये है शब्द कि आज संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व के आंगन में वो एक कंपनी के लिए बताया जा रहा है कि हलाला हलाला कहा जा रहा है, जबकि हलाल हलाला नहीं, हलाल तो हलाल तो शुद्ध, हलाल शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, और ये कोई इस्लामिक कंपनी है, और सब में उस पर मोहर लग रहा है कि इस माल को खरीदो, कोई हमें सामान खरीदना होगा तो वो हलाल का हॉलमार्क होना चाहिए। लेकिन क्या हिंदुओं को नहीं चाहिए? सुनने में आया है कि रामदेव जी भी जब इस्लामिक कंट्री में अपना सामान भेजते हैं कि वो हलाल वाला ही हॉलमार्क लगा करके भेजते हैं। कहां गया तुम्हारा पतंजलि? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, विशेष करके भारतीय हिंदू से कहूंगा कि भारत के हिंदू लोग, तुम्हारी अर्थव्यवस्था पर ये षड्यंत्र है। अब ये तो चिल्ला चिल्ला कर यही कहेंगे कि हमें अब लड़ाई की आवश्यकता नहीं है, हम इस तरीके से अर्थनैतिक दिशा को तोड़ेंगे तो ये मोहताज हो जाएंगे, तो ईमान बदलेंगे, अपने आप ही मुसलमान बनाने का तरीका इन लोगों ने निकाला है। इसीलिए ये जो हलाल कंपनी है, इस कंपनी को हटाओ, हलाल का हॉलमार्क लगाना बंद करो। हमारे भारत में जितने भी हिंदू कंपनी है वो अपना हॉलमार्क श्री के नाम से लगाए। श्री के नाम से लगाने से कम हिंदू लोग जान जाएंगे कि हिंदुओं का है और हिंदू उसे खरीदेगा। हलाल हिंदू क्यों खरीदे? हलाल हमारा है नहीं, हलाल नाम से ही तो हिंदू को पता लग रहा है कि हमारा नहीं है, तो उस सामान को हिंदुओं को खरीदना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भारत का, और भारत सरकार को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए।
मैं और अधिक ना आगे जाता हुआ यही पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उचित समझे मेरे इस इससे आप यूं कह सकते हैं इस्लाम वालों के लिए कि अकल बड़ी या भैंस, इनके पास भैंस बड़ी है अकल नहीं, क्योंकि वहां अकल पे दखल नहीं है ये कह दिया गया है। जालिकल किताब ला रही बफी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। हदीस में कुल्लु मा जा बे रसूल मैंने इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया उसको बिना छानबीन किए वो मान लेना। इसीलिए अकल पर कोई दखल नहीं है, इसीलिए इनकी यह कहावत है कि अकल बड़ी या भैंस, तो ये भैंस को ही बड़ी मानते अकल को नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बजा देना।